हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं गणेश जी के विसर्जन पे। हमारी कॉलोनी में गणेश जी बैठी थी, हम उनको विसर्जित करने जा रहे हैं। तो आज मैं दिखाऊंगा कितनी मस्ती होती है हमारे यहाँ। तो अपन चलते हैं गणेश जी के पास, उनको भगवान को उठा के ऑटो में रखेंगे, फिर हम लोग जाएंगे विसर्जन के लिए। डीजे आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, सब लड़के डांस करेंगे, जो मजा आने वाला ना। तो अपन मिलते हैं डीजे के पास, गणेश जी के पास। तो चलिए। तो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं गणेश जी के मूर्ति के पास और डीजे, अभी गणेश जी को हम रखेंगे ऑटो में और डीजे हमारा आ चुका है। आपको मैं दिखा दूं डीजे हमारा कौन सा है। अब मेरे भाई मेरे साथ आया गणेश जी लेके। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात, लोग डांस करेंगे मस्त। आज मस्ती इतनी पार होने वाली है, आप ब्लॉग पे बने रहना। ठीक है, हमारा डीजे और हम डीजे के पास आ चुके हैं और हमारे गणेश जी वहाँ पे लोड होंगे। तो हम यहाँ पे लोड करवाएंगे गणेश जी को अपने। क्या बात कर, अरे जी अलग करो ना भाई, अरे अभी अभी सब अलग कर। आरती की थाली भी और आखिरी है पूजा की, उसके साथ ही जाएंगे उसके लोग आए। यहाँ भी आरती होगी खटना किले में और आरती संभाल के संभाल कर बच्चे जो भी लिए हैं हमारी गणेश जी लोड हो चुकी है और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या कैसा चल रहा है और अब हम डांस करते हो जाएंगे। बहुत मजा आने वाला गाइस, तो स्टे ट्यून, वीडियो में बने रहना लास्ट तक। हमारे मैं तेरे बाप को मत सिखा चल, और बहुत सारे डांस करने वाले हमारे वीडियो में। यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है लेकिन
लोग पहुंच गए हैं विसर्जन के बहुत ज्यादा पास और हमारे गणेश जी जाने वाले हैं और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इतना डांस मैंने पहली बार किया है, बहुत मजा आया है। और आप लोगों को कैसा लगा आप हमें बताना। गणेश जी का साथ यहीं तक था, अब गणेश जी जान से तो आप लोग देखना कैसे जाते हैं। और आज कैसे लग रहा है आपको गणेश जी जा रहे हैं? बहुत बुरा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। गणेश जी जा रहे हैं तो हम लोगों ने बहुत डांस करा, अब विसर्जित करने आ गए। गाइस गणेश जी चले गए हैं और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और गणेश जी 11 दिन थे और ऐसा घर, मतलब भगवान है वो, और अपने घर जैसा माहौल हो जाता है और सब कोई मिल के काम करते हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। अब गणेश जी चले गए, अगले साल वापस आएंगे, इंतज़ार रहेगा उनका। भगवान हम सब पे कृपा करें और आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।